इंडिया गठबंधन की, जिसके बारे में लग रहा था कि क्या होगा, और अब दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा ही सही कि कुछ हो रहा है। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो ये खबरें आती हैं, एक सीट असम में दे दी, दो सीट यहाँ दे दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन विपक्ष का 19 से कमजोर हालत में अभी तक है। बिहार में उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद उनको जयंत चौधरी की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद एनसीपी तोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद शिवसेना तोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू से पीछे बात करने की जरूरत पड़ती है, अकाली दल को भी संदेश भेजना पड़ता है, बहुत मजबूत होने के बावजूद। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद अभी तक विपक्ष कोई ऐसी नैरेटिव नहीं सेट कर पाया या ऐसी बात लेकर नहीं आ पाया जिससे लगे कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में डिफेंसिव मोड में हो। यादव परिवार और गांधी परिवार, इनको अपनी सीटें बचानी है, बस इतने का समझौता हुआ। एकजुट होने के बावजूद वो एनडीए कमजोर हुआ है और इंडिया मजबूत हुआ है। परसेप्शन की जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं हार चुका है। गठबंधन में दरार आ गई, जब दीवार ही नहीं है तो दरार कहां से आएगी। आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अगर दीवार खड़ी हो और हिलने लगे और बुनियाद उसकी नहीं हो मजबूत, तब दिक्कत शुरू होगी इस गठबंधन के लिए।